वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना, ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग झूठ बोलकर और धोखा देकर बहुत से मुकाम हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये सही है कि गलत, इस कहानी के जरिए जानते हैं। तो शुरू करते हैं, आज की हमारी कहानी है सच्चाई और ईमानदारी। एक व्यक्ति ने बहुत ही छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया और अपनी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों रुपए तक पहुंचा दिया। यह उसकी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का ही नतीजा था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी का सारा भार किसी अपने ईमानदार अधिकारी के ऊपर डाल दूँ। तो एक दिन उसने अपने सभी ईमानदार अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ और आप सभी में से किसी एक को इस कंपनी का प्रमुख अधिकारी बनाना चाहता हूँ। सारे अधिकारी बहुत खुश हुए तो उस व्यक्ति ने अपने सभी अधिकारियों को कुछ बीज दिए और उनसे कहा कि इन बीजों को अपने साथ लेके जाओ और इन सभी को अच्छी तरह से बो, इनको खाद पानी धूप दो और एक महीने बाद दिखाओ कि इसमें कैसे पेड़ उगे हैं। अब फैसले का दिन आ गया था, एक महीना पूरा हो चुका था तो सभी अधिकारी अपने अपने पेड़ों को लेकर आए। उन सभी के गमलों में पेड़ बहुत अच्छी तरह से लहरा रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके गमले में खाद तो थी लेकिन पेड़ नहीं था, और उस आदमी का नाम था सुरेश। और उसको देख के सभी अधिकारी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि देखो, इसके गमले में तो पेड़ ही नहीं है। अब कंपनी का मालिक आता है और उन सभी के गमलों को देखता है। उन सभी के गमलों में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ उगे हुए थे, लेकिन जब वो सुरेश के पास जाता है तो सुरेश एक उदास से चेहरे से उनके आगे गमला करता है और कहता है, सर मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन इसमें पेड़ उग नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, अब आता है फैसले का समय। अब अंत में जब कंपनी के मालिक ने अपने प्रमुख अधिकारी के नाम की घोषणा की तो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उस अधिकारी का नाम था सुरेश। क्योंकि कंपनी के मालिक ने अपने सभी अधिकारियों को जो बीज दिए थे वो सभी उबले हुए थे, यानी कि उनमें से पौधा नहीं उग सकता था। सच्चाई और ईमानदारी की इस परीक्षा में सुरेश ने बाजी मार ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आप कुछ सीखे कि धोखा देके भले ही हम कुछ हासिल कर लें, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। तो बोलिए राधे राधे, और आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 27 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। इन सभी सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, अपने ससुरों को, सूर्यदेव को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों, धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बताया। सारे सगे और सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्षों में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपने ही लोगों के दो पक्ष बन गए हैं और उनमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन युद्ध में वो उसके शत्रु थे और अब अर्जुन को उनके साथ लड़ना होगा। तो बोलिए राधे राधे। अगर दोस्तों आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों को शुद्ध हिंदी में सुनना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी कहानी और भागवत गीता को सुन सकें। तो बोलिए राधे राधे।